सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने MHN प्राइम से खास बातचीत के दौरान जानकारी दी कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर 14 जून को वर्चुअल रैली की जाएगी। इस रैली में लाखों लोगों को जोड़ा जाएगा और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। करनाल से सांसद संजय भाटिया जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, ये सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे कल BJP का पार्ट टू का जो पहला साल पूरा होने जा रहा है, व्हाट्सएप से लिखी जा रही है, किस तरह की तैयारी है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है और क्योंकि हम इस समय कोरोना संक्रमण काल से निकल रहे हैं, आज हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, हमें फेस कवर भी लगाना है, हमें सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी भी रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और निरंतर जो लोगों के बीच में रहा, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल था या कोरोना से पहले दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के 8-10 महीने थे, लगातार लोगों में बीच में रहते हुए जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले इस बार पार्लियामेंट ने किए और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित था और वो सौभाग्य मुझे मिला कि जब धारा 370 को हटाने के पक्ष में जब मेरे को बटन दबाने का मौका मिला और 370 वोटों से धारा 370 को हटाया गया, मैं सौभाग्यशाली था कि जब ऐसे लाखों जो पीड़ित धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के थे, उनको यहाँ के नागरिक बनाने का जब बटन दबाने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली था आपके आशीर्वाद से। और जिस तरह से 3 तलाक की कुप्रथा, जबकि अनेक मुस्लिम देशों में ये हट चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण हम वर्षों से उस कुप्रथा को ढोते आ रहे थे, जिसमें मेरे मुस्लिम बहनें बहुत ज़्यादा पीड़ित होती थी कि 3 बार तलाक 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 कहने से उनका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और इस तरह का ऐतिहासिक फैसला, और मैं कहूँगा कि बोल्ड फैसला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। वो कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज जनता का, हिंदुस्तान की जनता का नहीं, दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा है, वो हर देश कहते हैं कि मोदी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। आज वो एक वर्ष जो पूरा हुआ है, ऐतिहासिक एक वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से संक्रमण काल है, एक जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके हम रैली नहीं कर सकते, तो उसका एक मैं कहता हूँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वर्चुअल रैली के माध्यम से एक ही समय में कल हम 11 बजे लाखों लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता माननीय नरेंद्र तोमर जी, हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी हम सबको संबोधित करेंगे। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या फिर से ऐसी स्थिति बन सकती है कि हरियाणा सीमा से लगते दिल्ली बॉर्डर है सील करने की चिंता भी जाहिर की है सर, दिल्ली में भी काफ़ी केस सामने आए हैं डराने वाले, हरियाणा में भी बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम लॉकडाउन में पहले तो अपने घरों में थे, अब हम संपर्क में आ रहे हैं। कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस और बीमारियां हैं, लेकिन कोरोना के अंदर सबसे खतरनाक बात यह है कि एक दूसरे से बड़ी आसानी से ये ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए अगर हम 2 गज की दूरी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और फेस कवर लगाएंगे, और कवर भी ऐसा जो नाक और मुँह को ढकने वाला, और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे। मैं इस कोरोना संक्रमण काल में अगर अपनी बात बताऊं, सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, नीम का दातुन लेता हूं, हल्दी वाला रात को दूध लेता हूं, और जो काढ़ा जो आयुष विभाग ने हमें दिया है उसका मैं सेवन करता हूं। मैं समझता हूं, मैं अनेक सैकड़ों लोगों से रोज मिलता हूं, आप भी देखते हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई ईजाद नहीं हुई, वो ईजाद होने में 1 साल लगेगा, कोरोना की दवाई हमारी बॉडी ही अंदर से ईजाद कर रही है, अपने आप कर रही है, लेकिन वो तभी कर पाएगी जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक है। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया, उनका साफ तौर पर फिर से सांसद संजय भाटिया ने लोगों से अपील की है कि लोग जो है 2 गज की दूरी बना के रखें और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। वहीं जो है सांसद संजय भाटिया ने वर्चुअल रैली पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। करनाल से MHN न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।